मुझे लगता है ये उन लोग खुद की समझदारी की बात है, उनको समझना चाहिए कि लड़कियों से कैसी बात करनी चाहिए। अरमान मलिक और रणवीर सॉरी पर भड़के रैपर नेजी जी। दोस्तों बिग बॉस से बाहर आते ही रैपर नेजी ने कह दी है बड़ी बात। बता दूं कि शो के अंदर तो नेजी ने अरमान मलिक और रणवीर सॉरी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आने के बाद वो काफी भड़के हुए नजर आए। अरमान मलिक और रणवीर सॉरी पर और मुनावर फारूकी को लेकर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। मुनावर भाई को इतना नहीं समझा कि ऐसी चीजों का मजाक नहीं बनाया जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहे वीडियो के साथ अंत तक कि आखिर पूरा मामला है क्या। जी दोस्तों, शो के बाहर आने के बाद रैपर नेजी ने महिलाओं संग बदतमीजी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और काफी भड़कते हुए नजर आए। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर रही सना मकबूल और उनको टक्कर देते हुए दिखे रैपर नेजी। जी दोस्तों, नेजी बिग बॉस ओटीटी 3 के फर्स्ट रनर अप रहे और सना और नेजी के बीच काफी टक्कर देखने को मिली। और दोस्तों बता दूं कि नेजी दिल से चाहते थे कि सना मकबूल अच्छा खेले, क्योंकि उनको वमाई को लेकर एक अलग ही कनेक्शन था। और सना मकबूल के जीतने के बाद नेजी ने खुले दिल से उन्हें बधाई दी। फिर शो के बाहर आने के बाद रैपर नेजी का हुआ इंटरव्यू और नेजी ने इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बात कही, तब से लोगों का दिल जीत रहे हैं नेजी। इतना चाहिए कि लड़कियों से कैसी बात करनी चाहिए। तब से लोगों के दिल में नेजी के लिए और सम्मान बढ़ गया। जी दोस्तों, नेजी ने पहली बार अरमान मलिक और रणवीर सॉरी पर महिलाओं संग बदतमीजी करने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। गुस्सा ही नहीं, काफी भड़कते हुए भी नजर आए। जी दोस्तों, बता दूं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने अरमान मलिक और रणवीर सॉरी के लिए कहा, उनको समझना चाहिए कि लड़कियों से कैसी बात करनी चाहिए, लड़कियों से तहजीब से बात करनी चाहिए और लिमिट में रहकर बात करनी चाहिए, और अगर आप अपनी लाइन क्रॉस करते हो तो वो आपकी गलती है। आप अगर नेशनल टेलीविजन पर ऐसा कर रहे हो तो आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए। जी दोस्तों, इस बात को लेकर नेजी की काफी तारीफ हो रही है। सारी वाइव्स है तो आपको औरतों के साथ ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए उसकी समझ होनी चाहिए, और मुझे मौका नहीं मिला वरना। और वही दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी को लेकर काफी भड़के हुए नजर आए। जी दोस्तों, नेजी का आरोप है मुनव्वर फारूकी ने पैसों की किल्लत का उड़ाया मजा, और नेजी बोले, मुझे बुरा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि मुनव्वर फारूकी ऐसी बात कहेंगे। लेकिन उन्होंने हदें पार कर दी मजाक बनाने में, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन वो अपना ही भाई है तो। जी दोस्तों, नेजी के जजमेंट और नेजी की सही बात बोलना लोगों को और उन्हें अच्छी राय देना, इससे बहुत इम्प्रेस हुई है पब्लिक। उनके नेचर ने काफी लोगों का दिल जीत दिया है। बता दूं कि बिग बॉस के घर में मुनव्वर फारूकी गेस्ट बनकर आए थे और मुनव्वर ने वहाँ हर किसी को रोस्ट किया, और वहीं मुनव्वर फारूकी ने रैपर नेजी को रोस्ट करते हुए उनकी आर्थिक तंगी का उड़ाया मजाक। जी दोस्तों, मुनव्वर फारूकी ने कहा था कि नेजी बिग बॉस घर में राशन तुम्हारी वजह से कम भेज रहे हैं। जी दोस्तों, रैपर नेजी को मुनव्वर फारूकी का ये रोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और उन्होंने सना मकबूल से अपनी राय रखते हुए कहा था कि मुझे बुरा लग रहा है कि मुनव्वर अपना बंदा है, लेकिन उसने इस तरह का मजाक बनाया। लेकिन शो के खत्म होने के बाद भी नेजी के दिल में ये बात रह गई और उन्होंने इंटरव्यू में ये बात का जिक्र किया। जी दोस्तों, नेजी ने अपने इंटरव्यू में मुनव्वर फारूकी के लिए कहा, किसी की आर्थिक तंगी का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है, मुझे उस समय भी बुरा लग रहा था और अभी भी बुरा लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुनव्वर मेरा दोस्त है, हम दोनों एक ही जगह से आते हैं, लेकिन उसको सब चीजें पता है, तब भी उसने ये चीजें कही, तब भी उसने इस तरह कहा और गलत कहा। जी दोस्तों, आप कितना सहमत हो रैपर नेजी की बात को लेकर? क्या आपको भी लगता है अरमान मलिक और रणवीर सॉरी ने महिलाओं संग बदतमीजी की और मुनव्वर फारूकी का यूं आर्थिक तंगी पर मजाक उड़ाना? इन दोनों पॉइंट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको नेजी की बातें सही लगी? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।